संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो हम ये जानते हैं कि जो संसाधन हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसका हम सतर्कता युक्त अथवा विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, जिससे यह संसाधन इस संसार से समाप्त न हो, इसीलिए हम कहते हैं कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यह भविष्य के लिए संतुलन बनाए रखता है, जिससे आने वाली पीढ़ी उस संसाधन से वंचित न हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं, इन संसाधनों का उपयोग हम उतना ही करें जितना हमें आवश्यकता है। जैसे भोजन के रूप में देखते हैं, हम संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते। जैसे ऊर्जा संरक्षण देखेंगे तो फैन चलाकर छोड़ देते हैं या टीवी चलाकर छोड़ देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। या विद्युत बल्ब भी है, विद्युत बल्ब भी क्या होता है, वो चला करके छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपव्यय होता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण का अपव्यय होता है। इसी तरह से हम खाद्यान्न पे देखेंगे, खाद्यान्न में भी देख सकते हैं हम कि कितनी आवश्यकता है हमें, भोजन की जितनी आवश्यकता हो हमें उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। या जल संरक्षण में देखेंगे तो जल का भी उपयोग हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमें जल की जरूरत हो। इसीलिए कवि ने कहा है कि रहमन पानी राखिए, यहाँ जल संरक्षण की ओर कवि क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, यानी कि हे मानव, ज्ञानी मानव या विद्वान, आप पानी को बचा करके रखिए, जिससे पानी सुरक्षित रहे, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के अभाव में हम जिंदा नहीं रह सकते। हम देख सकते हैं कोई भी क्रियाकलाप हो उसमें जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, अर्थात जल का उपयोग बहुत विवेकपूर्ण करना चाहिए, जिसके अनेक तरीके हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विविधता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हम देख सकते हैं जैव विविधता के बारे में कि घास, जैसे सूर्य से, फिर घास से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी और सर्वाहारी से अवघटक, जिसे हम आहार जाल या आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वस्त्रों के बारे में, पुराने समाचार पत्रों के बारे में, लिफाफा या खरीदारी के लिए थैले बनाए, इन तमाम वस्तुओं में से कुछ उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार करते हैं, हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके संसाधन संरक्षण करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है सतत पोषणीय विकास।
सतत पोषी विकास किसे कहते हैं? इस सतत पोषणी विकास को हम सतत पोषी विकास कहते हैं, सतत पोषी विकास कहते हैं, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे चारों तरफ व्याप्त संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो जिस संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं उसका लगातार उपयोग के साथ साथ उसका विकास करना चाहिए, अर्थात नए संसाधनों का लगातार विकास करना। लगातार विकास करना या निर्माण करना, निर्माण करना सतत पोषी विकास कहते हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। उदाहरण जैसे हम वृक्षों का उपयोग करते हैं, जैसे वृक्ष से हम फर्नीचर, मेज, कुर्सी, चारपाई बनाते हैं, जिससे वृक्ष की संख्या कम हो जा रही, पेड़ पौधों की संख्या कम हो जा रही, अर्थात विनाश हो रहा है। तो हम उसका विकास कैसे करेंगे? लगातार जितना हम उसका उपयोग कर रहे हैं उससे अधिक हम उसका नया निर्माण करेंगे। वृक्ष लगा करके हम फिर से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि यही वृक्ष पर्यावरण को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। दैट्स ऑल।